आपको यहाँ पर आना हो तो आमरिक सुखदेव तो सभी जानते हैं। आमरिक सुखदेव से थोड़ा सा आगे चलोगे आप, टोल पड़ता है, टोल के जस्ट सामने ही है ये। और यहाँ पा सकते हो आराम से, सुबह आ जाओ 10:30 फ्री खुल जाता है 10:30। मैंने वैसे टाइमिंग सारी स्क्रीन पे शो कर दी है, मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। बाहर ही टिकट काउंटर है, आप वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन टिकट्स लेने हो कि भाई हमें लाइन नहीं लेनी लगना क्योंकि भीड़ हो जाती है, तो वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वैसे आप यहाँ पर टिकट काउंटर पे आके सब कुछ पूछ सकते हैं। तो चलो हम भी अंदर चलते हैं और करते हैं खूब सारी मस्ती, क्योंकि बच्चों और मम्मी के साथ हम आए हैं आज यहाँ पर। तो दिखाते हैं अंदर क्या क्या राइड है। वैसे हम पहले भी एक बार और आए हैं यहाँ पर कोरोना से पहले, तो काफ़ी अच्छा था यहाँ का, और अभी भी आपको दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं हम अंदर और मिलते हैं आपसे अंदर जाकर। तो अब हम आ गए हैं मोजोलैंड। मम्मी कह रहे थे मैं क्या करूँगी वाटर पार्क में, बच्चे करते हैं। मैंने कहा मम्मी आप तो नहीं जाते भाई, हम मम्मी के भी नहीं जाएंगे वाटर पार्क। मम्मी रहते हैं तो रहती है। हाँ भाई गाइस, मोजोलैंड का एंट्री गेट। मम्मी से करा लूंगी मैं, आप टिकट का कर लो। ये है मोजोलैंड का एंट्री गेट यहाँ। तो गाइस यहाँ पर ये सारा मेंशन है क्या क्या है, वाटर पार्क का इतना चार्ज है, अडल्ट का इतना है, एडवेंचर का इतना है, स्नो पार्क का इतना है, कॉम्बो में ये है 800 है, और कॉम्बो में 3 का है 1100, अडल्ट का 1200। मैंने सारा स्क्रीन पे दिखा दिया आपको जो भी देखना हो। ये देखो अब वाटर पार्क में क्या क्या राइड है, एडवेंचर में क्या क्या है, स्नो पार्क में क्या क्या है, ये पूरा मैं आपको दिखा दिया यहाँ पे। और टाइमिंग इधर लिखे हुए हैं इनके, तो टाइमिंग भी आप देख सकते हो। और ये यहाँ पर आपको आते ही ऐसा दिख जाएगा, ऐसे दिख जाएगा। यहाँ पर काउंटर है, आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और यहीं से ही आपको टैग मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे बैंड्स मिल गए हैं। तो जब हम यहाँ पर आते हैं और ऐसे एंट्री करते हैं तो पहले ऐसे बैंड्स मिलते हैं जो सब पहनते हैं, और उसके बाद हमें एंट्री मिलती है। और ये आई है यहाँ पर स्कूल बस। तो ये पहन लिया है मैंने भी अपना टैग गाइस, और अब हम चलते हैं अंदर। यहाँ पर एंट्री होती है। हाँ यहाँ पर ही हमारी एंट्री होती है। ये बैग चेक करते हैं कहीं आप खाना तो, आंटी इसलिए होती है ना खाना तो अंदर नहीं लेके जा रहे, या किस लिए होती है? ऐसे ही खाने के लिए ही ना, खाना तो नहीं है, कपड़े ही बस। क्योंकि अंदर खाना ले जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा खाना फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, अंदर लोग फैला देते हैं कचरा, इसलिए ये लोग बाहर ही करते हैं एंट्री पे ही, कि किसी ने खाने का तो कुछ नहीं रखा हुआ अपना यहाँ पर। ये है चुप चुप ट्रेन, और ये सब बैठ गए, मैं भी तो आ जाऊं भाई। पैदल आ जाओ। अच्छा ये ठीक है, तो हम बैठ गए ट्रेन में। हेलो जी, मजा आया। गाइस चल चुकी है हमारी ट्रेन, और ये यहाँ पर फ्री सर्विस है, ऐसा कोई चार्ज नहीं है इसका, ये हमारे टिकट्स में इंक्लूड है। स्नो पार्क तो इसे हमें। तो गाइस वेलकम मोजोलैंड, और आज हम यहाँ करेंगे खूब सारी मस्ती। तो मिलते हैं आपसे अंदर। देखो इनका एक्साइटमेंट कितनी हो गई है गाइस, आते ही डांस स्टार्ट इनका। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ के। अब हम करते हैं चेंज वेंज, और काउंटर इधर, ये काउंटर पड़ जाता है। मैं यहाँ पर आपको चार्जेस दिखा दूँगी किस चीज़ का क्या क्या चार्ज है।
और इधर ये लॉकर्स मिल जाते हैं आपको, और ये है चेंजिंग रूम, वो बॉयज का है, ये गर्ल्स का है, वो बॉयज का है चेंजिंग रूम। तो चलो अब हम लॉकर्स में रखते हैं सामान और करते हैं इंजॉय थोड़ा। और ये देखो अभी, चलो मैं आपको प्राइसेस दिखा देती हूँ यहाँ पर क्या क्या प्राइसेस है। हमने यहाँ से कॉस्ट्यूम ली थी क्योंकि हमारे पास हमारी कॉस्ट्यूम थी, हम लाइक्रा में अपने कपड़े लेके आए थे। ये छोटा, तो इन लोगों ने हमारी ड्रेसेस देखी हैं कि आप दिखाओ लाइक्रा में है या नहीं है, तो हमने चेक करा दिया है। अब हम चेंज करते हैं और मिलते हैं आपसे। बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, इन्हें वॉशरूम वॉशरूम की जरूरत नहीं है, साढ़े यहीं नंगे हो गए दोनों के दोनों। सबर नहीं तुम्हें, यही हो गए। तो ये हो गई है यहाँ पर एंट्री। तो हम आ चुके हैं गाइस वाटर पार्क मोजोलैंड, और ये है यहाँ की, ये है यहाँ की, इधर ये है यहाँ का व्यू जो कि आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू। और आगा मानो तो अपनी मस्ती करने पहुँच भी गए हैं। ये सेक्शन है बच्चों का और यहाँ पे ऐसे म्यूजिक चलता हुआ मिलेगा आपको एंट्री गेट पर, एंट्री में। और फिर यहाँ पर ये अनु राघव ने एंट्री कर ली है हमारे से पहले ही। और ये रहे मम्मी, सब अपने अपने में मस्त है। राघव को किसी की जरूरत ही नहीं है, राघव लगा हुआ है अपने अपने गेम में। दिखा दिया राघव को, मैं राघव को ही दिखा रही थी। और ये सारा सेक्शन है बच्चों का, वैसे मेनली बच्चों का है, बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। मम्मी को घुसा दिया। और अनु राघव जो पिछली बार आए थे तो रो रहे थे, और इस बार तो फुल एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उन्हें। वो देखो अब की बार उन्हें किसी को नहीं चाहिए कि माँ जी आओ मम्मा आओ, पिछली बार उनका था मम्मा आप आ जाओ माँ जी आप आ जाओ, अब की बार अपने लगे हुए हैं और ये मम्मी को घुमाने में लगे हुए हैं। और गाइस ये सारा सेक्शन बच्चों का है, उधर आप देख रहे हो उधर जो है वो बड़ी बड़ी ट्यूब्स हैं, वो बड़ों के लिए हैं, बच्चे तो काफ़ी छोटे रहते हैं। और पहले ये यही थी, अब इधर वाली भी हो गई है स्टार्ट, और वहाँ पर भी है, हम करेंगे तो आपको दिखाएंगे ज़रूर, अभी हम नहीं कर रहे हैं। और देखो गाइस कैसे इंजॉय कर रहे हैं, ये मज़े से लगे हुए हैं अपना फुल इंजॉयमेंट में। तो चलो हम भी घुसते हैं अंदर। क्या निकल जाने दो, कोई बात नहीं निकलने दो। और सच में वाटर पार्क में आके बहुत मस्ती हो रही है गाइस, मजा आ रहा है फुल। आओ यार राघव, बस कुछ हुआ, चलो आप आओ मम्मी। यार क्या होना, कैसा है उछलते हुए हैं? और ये रियाना, ये रहने दे, रहने दे, ठीक है।
नहीं नहीं उसमें लंबा है ना तो लगा नहीं होगा, उसमें उसमें छोटा है ना वो। आओ राघव आओ, आ जाओ ना। राघव ले 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 ले, ओ नहीं चमक 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 चमक, हाँ हाँ सही हुआ है तेरे साथ, सही हुआ। थमक 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 थमक, आ रही कह रहे सीधे आ जा सीधे आ जा। ये वाली स्लाइड है वो गया और दम नीचे, और मैं यहाँ से आपको ये है वाटर पार्क का व्यू। आओ भैया पाँव आगे पाँव आगे पाँव आगे, हाँ हाँ बैठ जा बैठ। ओ भाई ओ भाई, कहाँ जा करूँ कहाँ जाएगी, ओ ओ ओ अरे मैं उल्टा हो गया मैं उल्टा हो गया, अरे मेरा उल्टा हो गया यार, अरे मेरा उल्टा हो गया माता। ये गाइस वेव वाला एरिया है, यहाँ पर ये कुछ टाइम के लिए वेव्स छोड़ते हैं, मतलब पानी होता है नॉर्मल और वेव्स छोड़ते हैं, तो यहाँ ये दोनों बहन भाई बहुत एंजॉय करते हैं। हम पहले भी आए हैं और भीड़ आप देख सकते हो, अभी तो 12 o'clock ही हुआ है और भीड़ कितनी ज़्यादा हो गई है, तो शाम तक क्या हाल होने वाला है यहाँ पे ये देखो। और अनाया हम अभी आ रही है, अभी यहाँ पर देखने हैं कितना इंजॉय करने वाले हैं वेव्स में। तो मेरी आवाज़ चेंज हो गई है क्योंकि मैं एक लंबी स्लाइड करके आई थी, तो मैं अंदर घुस गई, मेरी नाक में पूरा पानी घुस गया, तो आवाज़ ही चेंज हो गई। तो गाइस ये रही है अनाया और अब हम दोनों जा रहे हैं वेव्स के अंदर, और ये रहा राघव और डैडी। ये रे डैडी, ये रे डैडी, संभालते तीनों को मजे आ रहे हैं राघव।
फुल। अनायक को लग रहा है डर, अनायक को आने मम्मा के पास आने, मम्मा की गोदी आने। आ जा तू मेरे पास आ जा। मम्मी कैसा है आपका एक्सपीरियंस? लोग कहते हैं कि एज हो जाती है तो हम घूमने नहीं जाते क्योंकि हमारा मन नहीं करता, ऐसा कुछ है आपको लगता है ऐसा कुछ है मम्मी? नहीं, लोग कहते हैं ना कि एक एज पे आके मन नहीं करता घूमने का, ऐसा कुछ है? आ जाओ असली मजा तो इसी एज में है। हाँ बिल्कुल, आओ डर क्यों रहे हो जब डैडी संभाल रहे हो तो आओ। एक सेकंड मैं होता हूँ। जब बच्चे घुमाते हैं सारी उम्र कमाओ और बच्चे फिर घुमावे जब है फ्री टेंशन घूमने का मजा, कोई टेंशन नहीं। अनाया फुल एंजॉय कर रही है, तुरंत मछली बन जाती है। वेव्स बंद हो गई है, ये यही थोड़े से पानी में मछली बनी हुई है। रघव कह रहा है वो स्टार्ट हो गया, उसमें जाना है मुझे, मुझे तो स्लाइड ही करनी है। और मम्मी और इन दोनों का देख देख के खुश हो रहे हैं। तुरंत मछली बन जाती है मछली। मुंह भी नहीं निकाल रही बाहर, पता नहीं सांस कैसे आ रहा है। धूप में ये पता नहीं चल रहा कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, क्योंकि स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। फोन में हो गई है बैटरी कम, इतनी देर से वीडियो बनाते। लेकिन सच में यहाँ बहुत मजा आ रहा है, जिसके छोटे बच्चे हैं ना वो तो फुल इंजॉय करते हैं। जैसे मेरी अनाया राघव इतने मज़े कर रहे हैं और छोटे के साथ फिर बड़े भी फुल इंजॉय करते हैं। तो चलो दिखाती हूँ अभी कौन सी राइड कर रहे हैं।